बालाघाट जिले के परसवाड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलामेटा के ककई टोला प्राथमिक शाला में पत्थर शिक्षक सुंदर भलावी शराब के नशे में धुत रहकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाते नजर आए, तो वही दूसरे शिक्षक नदारद पाए गए। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लीलामेटा ककई टोला प्राथमिक शाला में दो शिक्षक पत्थर है। जब हमारी टीम ककई टोला प्राथमिक शाला पहुंची तो देखा गया कि दोनों शिक्षक स्कूल से नदारद पाए गए। वहीं स्कूली बच्चे बारिश के पानी में भागकर खेलते नजर आए। जब बच्चों से पूछा गया कि शिक्षक कहाँ हैं, तो बच्चों ने बताया कि सर आए थे और फिर चले गए और कहा कि 2 बजे खाना खाकर घर चले जाना। वहीं जब जन शिक्षक से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें भी 3-4 बार ग्रामीणों से शिकायत मिली है कि वहाँ पत्थर शिक्षक सुंदर भलावी शराब के नशे में धुत रहते हैं और स्कूल से गायब रहते हैं। हमारे द्वारा BRC के माध्यम से उन्हें लेटर जारी किया जाएगा। मैं ऐसे शिक्षक जो शराब के नशे में रहते हैं, मैं कलेक्टर जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे शिक्षक को तत्काल मतलब उनकी भी कार्रवाई किया जाए। छोटे बच्चे हैं, आदिवासी मतलब बच्चे, और शिक्षक इस प्रकार शराब के नशे में आते हैं तो क्या शिक्षा देंगे। और ये शराब के नशे में कहीं चले जाते हैं, बच्चों को बता देते हैं कि भाई खाना खाने के बाद छुट्टी कर देना, तो ये अच्छी बात नहीं है। बरसात पानी का मौसम है और स्कूल की हालत तो बहुत जर्जर है। वो तो खैर शासन से हम लोग मांग रखेंगे, उसका मांग ये भी है। सर, अगर से कोई वहाँ से टीचर नदारद रहते हैं और किसी बच्चों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? उसकी जिम्मेदारी तो देखो जब तक टीचर रहे उनके मतलब इस पे रहते हैं तब तक तो टीचर ही रहेगा ना। उसकी जवाबदारी टाइम उसका जो होता है 2:30 से 4 बजे तक की रहनी चाहिए। इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत लीलामेटा के सरपंच बुधराम टेकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने भी कई बार प्राथमिक शाला में पत्थर सुंदर भलावी को शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाते देखा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि ऐसे शिक्षक को तत्काल बर्खास्त किया जाए। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन ऐसे शराबी शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। ग्रामीण भारत TV के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।